हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज का ये वीडियो है जिसमें टाटा टिगोर को मॉडिफाई किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे एसेसरीज लगाई जा रही है जो कि इस कार की बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर देंगी, क्योंकि ये टाटा की टिगोर का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट XE है जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड बहुत ही कम फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आखिर इस टाटा टिगोर के अंदर कौन कौन से एसेसरीज का फिटमेंट किया जा रहा है और इन पर क्या खर्चा आने वाला है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि एसेसरीज के लग जाने के बाद कार का लुक किस तरीके से बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले दिखा देते हैं आपको इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का काम आज होने वाला है। तो आप देखेंगे इसमें आपको सेंटर लॉकिंग लगाई जा रही है, म्यूजिक सिस्टम लगेगा, टच स्क्रीन वाला स्पीकर लगेंगे इन्फिनिटी के, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, अपना ग्लोब बॉक्स है, साइड मोल्डिंग्स हैं, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर है, फ्रंट फॉग लैंप्स है, DRLs हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाई जाने वाली हैं। तो चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं और वहाँ पर नज़र डालते हैं कि आखिर यहाँ पर काम कैसा चल रहा है। तो ये दिखाते हैं अंदर का आपको नज़ारा। तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली गाड़ी देखेंगे तो पूरी तरीके से उथल पुथल कर रखी है, क्योंकि सारा सामान निकाल कर बाहर रखा हुआ है, गाड़ी की सीटें बाहर कर दी हैं। यहाँ पर फ्लोर पर लेमिनेशन का काम कंप्लीट कर भी चुके हैं। डैशबोर्ड की तरफ अगर आप मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड को भी कंप्लीटली खोल दिया गया है और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है। चलते हैं आपको सीट्स की तरफ। यहाँ पर सीट जो निकाली हुई सीट्स है वो रखी हुई हैं, जिन पर अभी कुछ देर बाद काम भी होगा और इन पर सीट कवर चढ़ाए जाएंगे। सीट कवर यहाँ पर स्पेशली बकेट टाइप के किए जाएंगे जो कि देखने में काफ़ी हद तक अच्छे भी लगते हैं। ये इस वक्त आप कंप्लीट फिटेड अपहोल्स्ट्री देख रहे हैं इस सीट्स पर। और अब चलते हैं, आपको ये देखिए सीट कवर्स लग चुके हैं और काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं देखने में, और बकेट फिटमेंट है तो बिल्कुल कम्प्लीटली सीट कवर जो है वो फिट है और काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस भी आ गई है इसके ऊपर। ये आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बैक पॉकेट्स भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये काफ़ी हद तक अच्छे यहाँ पर सीट कवर्स हैं और यहाँ पर हेड रेस्ट इनके ऊपर भी कवर्स लगा दिए गए हैं। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर सेंटर लॉकिंग लगाई जा रही है डोर्स में और यहाँ पर फिटमेंट उसका जारी है। तो चलिए अब आपको रिम की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर रिम का पर पेंटिंग का काम चल रहा है, स्प्रे पेंट किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर रिम को ब्लैक स्प्रे पेंट किया जाएगा और क्योंकि ये सिल्वर है उसके ऊपर आप कवर देखेंगे तो इसको इस तरीके से पेंट कर रहे हैं कि इसका जो लुक आए वो एलॉय का लगने लग जाए। थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ इस काम को। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है और जब ये सूख जाएगा उसके ऊपर व्हील कवर लगेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लुक सामने आपको नज़र आएगा। तो पेंट भी सूख चुका है और यहाँ पर आप देखें तो व्हील कवर्स भी फिट कर दिए गए हैं जो कि काफ़ी हद तक अच्छा और अट्रैक्टिव लुक भी दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डोर्स पर स्पीकर का काम कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको ले चलते हैं फ्रंट पे, जहाँ पर DRL और फॉग लाइट का काम चल रहा है। तो यहाँ देखें आप तो फॉग लाइट के लिए यहाँ पर स्पेस बनाया जा रहा है, स्पेशली यहाँ पे कटर का इस्तेमाल किया जाता है फॉग लाइट की हाउसिंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पर भैया ने फॉग लाइट के लिए दोनों ही हिस्सों में काट दिया है, हाउसिंग को बना दिया है और अब फॉग लाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये बम्पर को हटा करके हल्का सा जगह बना करके फॉग लाइट लगाई जाती है। ये फॉग लाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये हैलोजन टाइप के यहाँ पर फॉग लाइट लगाई जा रही है और इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो DRLs को भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये LED टाइप DRLs हैं जो कि इस कार में फिट किए जाएंगे और फिटमेंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो DRLs हैं वो इंटीग्रेटेड हैं हेडलैम्प्स असेंबली के अंदर। ये आप देखें तो ये LED टाइप के DRLs हैं और अब सीट्स को भी दोबारा से फिट करने की तैयारी चल रही है क्योंकि काम होने वाला है कम्प्लीट। और ये देखिए किस इस तरीके से दोबारा से सीट्स को रिटर्न बैठाया जा रहा है। पीछे की तरफ आपको ले चलूं तो यहाँ पर कैमरे के फिटमेंट की तैयारी चल रही है और पीछे का जो गार्निश है इसको खोल करके यहाँ पर कैमरे का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर अब शाम भी होने वाली है और लगभग लगभग काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये व्यू आपके सामने इस वक्त है जहाँ पर गाड़ी का जो मॉडिफिकेशन है लगभग से कम्प्लीट भी हो चुका है। तो चलिए आपको एक वॉक थ्रू दे देते हैं और जो रेस्ट काम है वो अभी हो रहा है और उसके बाद आपको कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन देंगे कि इसमें क्या क्या काम आज किया गया है और टिगोर का ये बेस वेरिएंट काम करने के बाद इसमें जो भी एसेसरीज के फिटमेंट के बाद किस तरीके का लगता है। तो फाइनली दोस्तों इस कार का काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन देते हैं और बताते हैं कि आखिर
इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है और कितना खर्चा इस कार में टोटल आया है। तो शुरुआत से शुरू करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले फॉग लाइट, यहाँ पर हेलोजन टाइप के फॉग लैंप्स लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि क्रोम लाइनिंग के साथ आपको मिल जाएगा। ऊपर चलते हैं हेड लैंप्स के अंदर, यहाँ पर DRLs का बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। डे टाइम रनिंग लैंप्स यहाँ पर है, वो भी टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं। आपको यहाँ पर हम जलाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये DRL जो है वो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। तो ये करते हैं स्विच को ऑन, ये देखिए आप कितना बेहतरीन लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। DRL जो है वो वर्क कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर और ऐसा लग रहा है कि ये इंटीग्रेटेड है इस असेंबली के अंदर, बहुत ही बेहतरीन। और चलिए अब मूव करते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले क्रोम डोर हैंडल्स, ये क्रोम डोर हैंडल्स लगाए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बॉडी साइड मोल्डिंग है जो कि क्रोम फिनिश के साथ है और ये यहाँ पर आपको डोर गार्ड भी लगाया गया है। चलिए अब पीछे की तरफ ले चलें और रियर में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ये ठीक उसी पोजीशन पे है जहाँ पर कंपनी फिटेड आता है और उसी पोजीशन पे यहाँ पर लगाया गया है। ये शार्क फिन एंटीना जो कि काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है, ये भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अंदर की तरफ जाएं तो आप देखेंगे तो नियॉन लाइटिंग बहुत ही बेहतरीन काम है और ये देखिए इसकी की जो कि आपको एक हद तक लुभावित करेगी क्योंकि की जो है टाटा के बेस वेरिएंट के अंदर नॉर्मल टाइप की मिलती है और यहाँ पर आपको फोल्डेबल की मिल जाएगी और फोल्डेबल की यहाँ लगाई गई है। स्पेशली टाटा की बेजिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये एडिशनली कस्टमाइज़ की गई है। सीट कवर्स यहाँ देखें तो ब्लू लाइनिंग के साथ ब्लैक आपको मिल जाते हैं और 3D बकेट फिटमेंट के साथ हैं तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं देखने में। और आप देखें यहाँ लाइंस को तो ये उभर करके आ रही हैं किस तरीके से, सिलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और ये यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर भी कवर चढ़ाया गया है और ये लेमिनेटी टाइप का है जिसको सिलाई से लास्ट में सिला जाता है जो कि इसकी ग्रिपिंग को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखता है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये आपको गर्मियों में पसीना वसीना नहीं आएगा इसको पकड़ने पर और ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। म्यूज़िक सिस्टम अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली फिटमेंट के साथ है और ये 9 इंच का एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक देता है आपकी कार के अंदर। इंटीरियर को पूरी तरीके से इसने बदल दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जैसे कि आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलती है बिल्कुल उसी तरीके की फिनिश यहाँ पर है। और स्पीकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं डोर्स के अंदर वो भी ट्विटर्स के साथ। अब आपको दिखाते हैं बीच में लगा हुआ आर्म रेस्ट जो कि मल्टी फंक्शनल है जिसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस तो दिया गया है साथ ही साथ ऊपर आपको यहाँ पर आर्म रेस्ट और पीछे की तरफ ये देखिए काफ़ी शानदार कप होल्डर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। क्योंकि मैंने बोला कि ये आर्म रेस्ट आपको मल्टी फंक्शन के साथ मिलता है तो यहाँ पर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 USB स्लॉट दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही लुभावित भी करते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो नीचे फ्लोर मैट जो आपको पहले बताया था कि लेमिनेट किया हुआ है उसके ऊपर यहाँ पर लेमिनेशन आप नीचे देख सकते हो, कम्प्लीटली फ्लोर लेमिनेटेड है और उसके ऊपर यहाँ पर ये मैट देखने को आपको मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में लगाया गया है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं और क्या क्या काम हुआ है। तो टायर जैसे कि आप देखें स्टील व्हील यहाँ पर थे सिल्वर कलर के जिसको पेंट करके ब्लैक किया गया है और उसके ऊपर यहाँ पर व्हील कवर लगाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एलॉय व्हील्स ही हैं, हो सकता है कि एक बार को आप कंफ्यूज भी हो जाएं। पावर विंडो भी दिखा दें तो टिगोर के अंदर आपको कंपनी से सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज़ ही मिलती हैं, फ्रंट 2 पावर विंडोज़ ही आती हैं लेकिन हमने यहाँ पर 2 अलग से पावर विंडोज़ को इंस्टॉल किया है जिनका जो फंक्शन है वो अलग अलग गेट पर अलग अलग है और कुछ इस तरीके का वो लुक आपको देती हैं। और यहाँ पर हैंडल था तो उसको भी पूरी तरीके से एंड कर दिया गया है, लगेगा नहीं कि यहाँ पर पहले हैंडल हुआ करता था। तो कंप्लीट फिनिशिंग भी यहाँ पर दी गई है। तो रियर सीट आप देख रहे हैं किस तरीके का है, सीट कवर्स रियर में किस तरीके के लग रहे हैं और बैक पॉकेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से ड्राइवर सीट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल किया गया है वो किस तरीके का दिखता है और क्या विजिबिलिटी आती है इसके अंदर जब आप इसको ऑन करते हैं। कितना बड़ा सिस्टम तो लगवा लिया लेकिन अगर कैमरा नहीं लगाया तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। तो कैमरा भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैमरा किस तरीके का है। ये देखिए गाइड के साथ यहाँ पर कैमरा मिलता है
और पीछे की काफ़ी वाइड विजिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके का ये लुक आ रहा है। जैसे ही आप रिवर्स गियर डालते हैं वैसे ही ये आ जाता है, रिवर्स गियर हटाते ही कैमरा चला जाता है। ये आपको जैसे ही कंपनी फिटेड में फंक्शन दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको फंक्शन मिल जाता है। सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का इंस्टॉल किया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं अगर देखिए तो बहुत ही बेहतरीन स्मूथ टच है इसकी। और आपको लाइटें दिखा दें तो ये देखिए यहाँ पे अलग से लाइट का इंस्टॉलेशन किया गया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाड़ी को बहुत ही अच्छा अंदर से फील देगा आपको, अलग अलग कलर्स में ये जल रहा है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा अंदर से आपको मिल रहा है देखने को, वाओ। तो दोस्तों ये था टिगोर का मॉडिफिकेशन वीडियो जहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें इंस्टॉल करके दिखाई गई और देखा गया कि किस तरीके का ये मॉडिफिकेशन आपको लग जाता है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस में करीब करीब 40 से 42,000 रुपये का ये टोटल खर्चा था जिसमें ये काम कंप्लीट हुआ है। और इस वीडियो को बनाने के लिए ख़ास तौर से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस शॉप के ऑनर का जिनका बहुत ही सपोर्ट रहा है हमें, धर्मेंद्र जी का, और साथ ही साथ इस कार के ओनर का विकास जी ने भी यहाँ पर हमारी बहुत ही हेल्प की है इस वीडियो को बनाने में। उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया कि हम वीडियो को ना बनाएं या फिर कुछ बात उन्होंने कही हो, तो उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा था हमें इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हम उनका भी थैंक कहना चाहते हैं। और बात करें एसेसरीज़ की तो एसेसरीज़ का फिटमेंट जो कम्प्लीट किया गया है ये करोल बाग की एक शॉप है जिसका नाम है डिजिटल कार श्रृंगार। इस शॉप्स की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वक्त आपकी वीडियो के सामने भी फ्लैश हो रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट करके अगर आपकी कार के लिए कोई एसेसरीज़ बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कम्प्लीट वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।